देखिए, एक माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा निर्णय है कि किसी स्कीम को कानून का रूप दिया जाए। और इससे पहले भी आपने देखा होगा, मनरेगा जैसी जो स्कीम थी उसको रोजगार गारंटी कानून बना के भारत की हमारी सरकार ने पूरे देश के अंदर लागू किया। आज पेंशन को एक कानून बनाना, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसमें कानून के अंदर भी ये तय करना कि हर वर्ष इसको 15% हम बढ़ाएंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। हमने पिछले 4 वर्षों की हम बात करें, 4.5 वर्षों की बात करें, तो लगभग 45 लाख नए लोगों को हमने इस योजना के अंदर जोड़ा है। पहले 50 लाख के आसपास संख्या थी, आज 94 लाख लोग पेंशन योजना से जुड़े हुए हैं। 500 की जब पेंशन बांधी उसमें भी अशोक गहलोत जी ने बहुत बड़ी छूट दी, अब 750 भी अशोक गहलोत जी ने किए, और 750 से 1000 भी आज अशोक गहलोत जी ने किए हैं। एक बहुत बड़ी मदद, एकल नारी विधवा महिला को 500 से सीधे 1000 की सुविधा मिली है, दिव्यांगजन और बुजुर्गों को 750 से 1000 रुपए की सुविधा मिली है, और 75 साल से ऊपर के लोगों को तो ऑलरेडी हम 1500 रुपए दे रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी एक सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज दी है। 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आज डायरेक्ट खातों के अंदर डाली गई है। आपने देखा होगा किस प्रकार से महिलाओं ने अपनी बात कही, बुजुर्गों ने अपनी बात कही, जो सच्चाई है वो लोग उन्होंने बयान की है। आज एक घर के अंदर अभी मैं देख रहा था कि पालनहार मान लो कोई 3 बच्चे हैं तो 1500 या 4500 रुपए उस परिवार के अंदर आ रहे हैं हर महीने, 2000 रुपए साल के अलग से आ रहे हैं, 1000 रुपए उसकी माँ की पेंशन आ रही है, जो अनाथ बच्चे उनको 2500 रुपए पेंशन आती है। तो एक प्रकार से आम जनता को संबल देने के लिए मुख्यमंत्री जी की ये जो योजना है इसका कोई तोड़ नहीं है। बीजेपी इससे घबराई हुई है, और आज भी आप देखें पेंशन योजना जो है भारत सरकार ने शुरू की थी इंदिरा गांधी पेंशन योजना के नाम से, आज भी भारत सरकार के मात्र 367 करोड़ रुपए आ रहे हैं, और राजस्थान सरकार 11500 करोड़ रुपए इस योजना के अंदर लगा रही है। तो एक प्रकार से 1% हिस्सा लगभग भारत सरकार का है, 99% पैसा राजस्थान सरकार दे रही है। देखिए, केंद्र सरकार के पास कहने को कुछ है नहीं, जाति और धर्म के नाम पे लड़ाते हैं। आज भी आप देखेंगे तो आज देश के नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या हालत इन लोगों ने कर रखी है, इससे पहले महाराष्ट्र के अंदर इन लोगों ने क्या कर रखा था, उससे पहले यूपी में, उससे पहले हरियाणा में, उससे पहले राजस्थान में, जहां भी इनकी सरकारें रही हैं, डबल इंजन की बात करते हैं, जनता के अंदर जाति और धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम को, एससी जनरल को, जाट गुजर को, आपस में कास्टों को लड़ाने का काम ये लोग करते हैं। आज सारी चीजें जनता के सामने आ चुकी है। अभी प्रधानमंत्री जी की रैली थी, कुछ भी उसके अंदर नहीं था, जनता ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, और यहाँ जो यहाँ के नेता हैं इनमें आपस में इतनी भयंकर लड़ाई है कि ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें चुनाव कैसे लड़ना है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की एक से बढ़कर एक ऐसी शानदार स्कीम प्रदेश की जनता के लिए आ रही है। और सबसे मास्टर स्ट्रोक जो रहा है महंगाई राहत कैंप, क्योंकि ये जो स्कीमें हैं कांग्रेस की थी, कांग्रेस जनता को दे रही थी, और बीजेपी के कार्यकर्ता इन्हीं स्कीमों के नाम पे अपना वोट बनाना चाहते थे, जनता के बीच में झूठ बोलते थे। आज वो सारी चीजें इन लोगों को पता चल गई कि कौन सी सरकार इनके लिए अच्छा सोच रही है। इनकी 3 स्कीमें हैं, आज खाद्य सुरक्षा कांग्रेस पार्टी ने शुरू की, इन लोगों ने उसके अंदर नाम नहीं जोड़े। आज प्रधानमंत्री सम्मान कृषि निधि योजना की बात करते हैं, कोई नाम नहीं जोड़ रहे, पैसे वापिस ले रहे हैं। और इसी प्रकार से 2022 तक सबको पक्का मकान देने की बात करने वाले, आज मकान के नाम पे एक पैसा नहीं दे रहे हैं, गरीब बेचारा झोपड़ी में रहने को मजबूर है। तो इस प्रकार से सिर्फ दिखावा है इनका, जनता के सामने इनकी पूरी पिक्चर क्लियर हो चुकी है। देखिए, ये लोग सिलेंडर के नाम पे, ये सिलेंडर जनता का ही था, उज्ज्वला के नाम से फ्री सिलेंडर बांटे, फिर वो पैसे जो जनता को सब्सिडी मिलती थी उस सब्सिडी को काट के वो पूरे पैसे वसूल किए, कोई फ्री सिलेंडर इन्होंने नहीं दिया, और वापिस वही रेट उनका 1150-1200 रुपए बढ़ा दिया। आज गहलोत जी ने 500 रुपए में सिलेंडर दिया है। राहुल गांधी जी की जो मालाखेड़ा के अंदर रैली थी उसमें अशोक गहलोत जी ने आह्वान किया था और ये ऐलान किया था कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। आज राजस्थान के अंदर 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, कोई सोच भी नहीं सकता कि 500 रुपए में सिलेंडर मिल सकता है। भारत सरकार डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस इनके दाम करने के नाम पे केंद्र के अंदर आई थी कि हम महंगाई कम करेंगे, आज क्या हालत है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करके आए थे कि हर बार हम रोजगार देंगे,
आज क्या हालात है, जीडीपी बढ़ाने की बात करते थे पता नहीं ट्रिलियन और पता नहीं किस आंकड़ों की बात करते थे, आज कहाँ है। तो ये सारी चीजें अब जनता के सामने, जनता की जानकारी में आ चुकी है।